हेलो दोस्तों, वेलकम टू पायोज एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम पंप हाइड्रोलिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं तो आपको ये बताना चाहता हूँ, मैंने जो भी आपको सिलेबस का वीडियो डाला था उसी प्रकार वीडियो में बनाने वाला था, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने ये कमेंट किया कि हमें पहले पंप साइजिंग पे वीडियो चाहिए, और एक ने ऐसा भी कमेंट किया है कि हमें एक रियल टाइम एग्जाम्पल लेकर दो, जैसे प्रोसेस इंजीनियर इंडस्ट्री में प्रॉब्लम सॉल्व करता है उस प्रकार हमें एक एग्जाम्पल चाहिए। इसलिए मैं इस वीडियो में ये ट्राई करूंगा कि जो भी हम पंप साइजिंग का एग्जाम्पल एक्सेल में सॉल्व करेंगे उसमें हम एक रियल टाइम एग्जाम्पल देखेंगे, जिसमें मैंने अलग अलग डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए हैं, जिसमें प्रोसेस डिस्क्रिप्शन है, पीएफडी है, पीएनआईडी है, उसके बाद में डिजाइन बेसिस है, हमें पंप हाइड्रोलिक्स का कैलकुलेशन करते समय कौन सी वैल्यू कहां से कैसे रेफर करनी है वो मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया है। तो चलो हम सबसे पहले देखते हैं पंप क्या होता है, उसके बाद अलग अलग डॉक्यूमेंट्स पंप साइजिंग के लिए हमें कौन से चाहिए ये देखेंगे, उसके बाद पंप कैलकुलेशन के स्टेप्स क्या होते हैं जिसमें सक्शन साइड के कैलकुलेशन हम देखेंगे, उसके बाद एनपीएसएच कैलकुलेशन, उसके बाद डिस्चार्ज प्रेशर कैसे कैलकुलेट करना है, उसके बाद डिफरेंशियल हेड क्या होता है और वो हमें कैसे कैलकुलेट करना है, पावर कैलकुलेशंस क्या होती है, उसके बाद पंप साइजिंग में सक्शन और डिस्चार्ज का लाइन साइजिंग का भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, जिसमें हमें लाइन का साइज कैसे मेंटेन करना है ताकि हमारा जो भी पंप है वो कैविटेट ना हो और जो भी हम हेड कैलकुलेट कर रहे हैं वो ऑप्टिमम हो, ताकि हमारा जो भी पंप हम साइज करें वो ओवर साइज ना हो जाए, ताकि अगर ओवर साइज हो जाएगा तो उसका कॉस्ट बढ़ेगा, अगर अंडर साइज हो जाएगा तो उसका पानी वहां तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए हमें लाइन साइज भी कैसे डिसाइड करना है वो हम इस स्लाइड में देखेंगे। उसके बाद एक कैलकुलेशन समरी, मतलब पंप का पूरा कैलकुलेशन होने के बाद हम उस कैलकुलेशन को समराइज किस पॉइंट्स के साथ करेंगे वो हम देखेंगे। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम एक रियल टाइम एग्जांपल कंसीडर करेंगे, उसके लिए मैंने एक प्रोसेस डिस्क्रिप्शन का डॉक्यूमेंट बनाया, उसके बाद एक पीएनआईडी पीएफडी आइसोमेट्रिक इसके लिए कॉमन ड्राइंग बनाया, उसके बाद एक डिजाइन बेसिस है, इसके बाद एचएमबीडी है, इसके बाद लाइन साइजिंग कैलकुलेशन की शीट है, और अभी ये पंप हाइड्रोलिक्स के लिए मैंने शीट बनाई है। अब देखो यहाँ पे जो भी पैरामीटर्स लगेंगे, एक प्रोसेस इंजीनियर के लिए अगर बोला जाता है कि पंप साइज करो तो कौन से पैरामीटर किस डॉक्यूमेंट से लेता है और कैसे ढूंढता है ये हम इस शीट में देखेंगे। ये देखो, ये पंप की शीट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कंटेंट मिस मत करना, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आपको बताऊंगा कि जो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप प्रोसेस इंडस्ट्री में जॉब करते हो तो भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने, एकदम इंडस्ट्री में जैसी शीट होती है ना उसी प्रकार मैंने आपके लिए बनाई है। देखो यहाँ पे आपको पूरा दिखेगा, ये सक्शन साइड का कैलकुलेशन है, उसके बाद में डिस्चार्ज साइड का कैलकुलेशन, डिफरेंशियल हेड, यहाँ पे स्केच अपलोड करना है, इसके बाद में पावर कैलकुलेशन से कैलकुलेशन की समरी है, बहुत डिटेल में शीट है, एकदम एंड तक देखना, मिस मत करना। चलो तो हम हमारे मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पायोज लर्न द स्मार्टर वे। हमारा सबसे पहला पॉइंट है पंप क्या होता है। तो देखो पंप की डेफिनेशन हम बहुत पहले से सुनते आए हैं, पंप इज ए मैकेनिकल डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ मोटर इंटू मैकेनिकल एनर्जी ऑफ शाफ्ट इंटू काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इम्पेलर इंटू प्रेशर एनर्जी इन साइड केसिंग। तो देखो ये डेफिनेशन सुनने में तो बहुत सही लगती है, लेकिन टेक्निकली अगर आप देखोगे तो ये गलत लगती है, क्योंकि क्या पंप का ड्राइवर सिर्फ इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है, मोटर ही होता है? नहीं, पंप का ड्राइवर इलेक्ट्रिक मोटर के साथ साथ गैस और डीजल आईसी इंजिन भी होते हैं, स्टीम टर्बाइन्स को यूज करके भी हम पंप्स को चलाते हैं, उसके बाद गैस टर्बाइन्स को यूज करके भी पंप चलाते हैं। अगर छोटे छोटे पंप्स हैं तो उसको हम हैंड के साथ भी यूज करते हैं, मतलब हाथ के प्रेशर से भी हम उसको यूज करके पंप का जो भी काम है वो करवा सकते हैं, उसके बाद फुट मतलब पैर का यूज करके भी, उसके बाद एयर प्रेशर किसी दूसरे प्रेशर दूसरे फ्लूड का प्रेशर यूज करके भी हम जो भी पंप का प्रेशर है मतलब पंप का फंक्शन है मतलब एक लोकेशन के दूसरे लोकेशन पे लिक्विड पहुंचाने का जो भी काम है वो हम ये दूसरे ड्राइवर को यूज करके भी कर सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी का सिर्फ हम यूज करते हैं डेफिनेशन लेते समय, ये थोड़ा सा गलत लगता है, क्योंकि अलग अलग ड्राइवर्स है तो हम उसको भी हमें कंसिडर करना चाहिए। ओके, ये समझ में आ गए आपको? ओके, तो देखते हैं पंप साइजिंग के लिए हमें अलग अलग डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। अगर आप प्रोसेस इंडस्ट्री में काम करते हो तो और आपको बोला जाता है कि आप एक पंप का साइजिंग करके दो, पंप के हाइड्रोलिक कैलकुलेशन हमें करके दो, तो आपको कौन कौन से अलग अलग डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो देखो
सबसे पहले तो आपको लगेगा डिजाइन बेसिस, उसमें आपके आप क्या क्या देखोगे, वेलोसिटी क्या हमें मेंटेन करना है सक्शन और डिस्चार्ज साइड में, उसके बाद में डेल्टा पी बाय 100 मीटर वो हमें क्या मेंटेन करना है, उसके बाद गाइडलाइंस, अलग अलग गाइडलाइंस होती है, मतलब हमें मार्जिन कितना रखना है, उसके बाद में जो भी हम पाइप का साइज कर रहे हैं उसमें फ्लो का मार्जिन कितना रखना है, एनपीएसएच का मार्जिन कितना रखना है, ये सब हमें डिजाइन बेसिस में मिलता है। उसके बाद में प्रोसेस डिस्क्रिप्शन का एक डॉक्यूमेंट रहता है जिसमें हमें पर्पज ऑफ पंप, मतलब ये जो पंप है उसका क्या काम है, वो हम प्रोसेस डिस्क्रिप्शन से पढ़ सकते हैं, मतलब क्या फ्लूइड है, हमें कहाँ से कहाँ तक पहुँचाना है, ये सब हमारे प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ रहता है। उसके बाद पीएफडी, जो भी प्रोसेस डिस्क्रिप्शन होता है उसके हिसाब से पीएफडी बनाई होती है। अगर आप प्रोसेस डिस्क्रिप्शन पढ़ते हो तो आपको प्रोसेस एकदम क्लियर होती है और पीएफडी से वो आपको विजुअलाइज होती है। और उसमें और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है स्ट्रीम नंबर का, ये जो स्ट्रीम नंबर है उसको आप रेफर करके एचएमबीडी में जाओगे और उस स्ट्रीम नंबर के अक्रॉस आप जो भी प्रॉपर्टीज उस स्ट्रीम में है, मतलब एक आप स्ट्रीम देखते हो जो कि आपके पंप से निकलकर एक किसी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, उस स्ट्रीम उस लाइन को समझ लो 3 नंबर का स्ट्रीम नंबर उन्होंने दिया है, तो एचएमबीडी में आप जाओगे 3 नंबर रेफर करोगे, तो 3 नंबर अगर आप रेफर करोगे तो आपको उस फ्लूइड की पूरी प्रॉपर्टीज मिल जाएगी, जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो पूरी आपको वहाँ पे मिल जाएगी, मतलब उसका उस स्ट्रीम में उस लोकेशन पे उसका टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, उसके बाद में उसकी डेंसिटी कितनी है, ये सब आपको एचएमबीडी में मिल जाएगा। उसके बाद एक डॉक्यूमेंट होता है पीएनआईडी का, जो कि पीएफडी के हिसाब से बनाया हुआ होता है, मतलब अगर आप पीएनआईडी रेफर करते हो तो पंप साइजिंग के लिए आपको क्या हेल्प होगा, पाइप का क्लास आपको मिलेगा, सर्विस ऑफ पाइप मिलेगी, पाइप स्पेसिफिकेशन आपको मिलेगी पीएनआईडी से। उसके बाद प्लॉट प्लान, आप प्लॉट प्लान और आइसोमेट्रिक आपको क्यों जरूरी है, प्लॉट प्लान और आइसोमेट्रिक क्या होता है, 3D व्यू होता है, या फिर मतलब आइसोमेट्रिक में 30 डिग्री का व्यू बनाया होता है जिसमें पाइप्स के लेंथ एक्यूरेटली मेंशन किए होते हैं, मतलब क्या बेंड्स है, क्या एल्बोज है, क्योंकि अगर आप पीएनआईडी देखोगे तो उसमें बेंड्स एल्बोज नहीं दिखाते, उसमें सिर्फ वॉल्स क्या है, उसके बाद में इक्विपमेंट कौन से है, ये सब पाइप का स्पेसिफिकेशन क्या है, ये सब मेंशन किया हुआ होता है, लेकिन पाइप की लेंथ क्या है, उसमें अलग अलग बेंड्स कहाँ पे है, एल्बोज कहाँ पे है, लाइन कैसे, एलिवेशंस क्या है, वो सब पीएनआईडी में मेंशन नहीं होता, उसके लिए आपको आइसोमेट्रिक का ड्राइंग रेफर करना होता है। उसके बाद जीए ड्राइंग, अगर आपके पास पंप का जीए ड्राइंग है तो आप उसमें से सेंटर टू सेंटर एलिवेशन, मतलब ग्राउंड से पंप के सेंटर लाइन तक का एलिवेशन कितना है वो आप देख सकते हो। उसके बाद में इक्विपमेंट का, मतलब टैंक और वेसल का अगर जीए ड्राइंग है तो उसकी हाइट वगैरह एकदम एक्यूरेट से आप देख सकते हो, लो लिक्विड लेवल आप कहाँ तक मेंटेन करोगे, हाई लिक्विड लेवल कहाँ तक मेंटेन करोगे, ओवरफ्लो नोजल कहाँ पे दिया है, उसके बाद में सक्शन का नोजल कहाँ पे दिया है, ये सब आपको जीए ड्राइंग में मिलेगा, तो वो आपको पंप साइजिंग के लिए काम में आएगा। ओके, ये डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं और उसको पंप साइजिंग में हमें कैसे यूज करना है, मैं समझता हूँ ये आपको समझ में आ गया है। ओके, चलो अब हम देखते हैं पंप कैलकुलेशन के स्टेप्स क्या है। पंप कैलकुलेशन में सबसे पहले हमें देखना है सक्शन साइड की कैलकुलेशन। अगर आप पंप देखते हो तो पंप में देखो, पंप में क्या रहता है, ये जो पंप के पहले वाला पार्ट होता है इसको सक्शन बोलते हैं और ये जो पंप के बाद वाला पार्ट होता है इसको डिस्चार्ज बोलते हैं। तो अब हम पहले पंप के सक्शन वाले पार्ट की कैलकुलेशंस देखेंगे। ओके, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, नेट सक्शन प्रेशर कैलकुलेट करना है। नेट सक्शन प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे सक्शन वेसल प्रेशर। पहला स्टेप हमें देखना है सक्शन वेसल का प्रेशर क्या है। अब देखो यहाँ पे ये जो सक्शन वेसल है इसका प्रेशर जो भी है वो हम पहले नोट डाउन करेंगे, वो कितना है 3 bar gauge, वो यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। उसके बाद स्टैटिक एलिवेशन, अगर यहाँ पे देखोगे तो स्टैटिक एलिवेशन कितना है यहाँ पे 4 meter, उसके हिसाब से ये क्यों हमने लिया है, इसकी वजह से यहाँ पे कुछ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट होगा क्योंकि लिक्विड हमारा इस टैंक में फिल किया हुआ है, तो इस हाइट की वजह से कुछ ना कुछ तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट होगा। अब देखो हमने जो भी लाइन लिया है ये यहाँ पे बॉटम टेंजेंट लाइन से पंप के सेंट्रल लाइन तक लिया है, ऐसा क्यों किया, हमने यहाँ तक का डिस्टेंस क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखो आपने यहाँ से कैलकुलेट किया हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कैलकुलेट कंसिडर करके यहाँ तक एनपीएसएच आपका प्लस 3 meter आ गया, मान लो यहाँ पे एनपीएसएच आपका प्लस 3 meter आ गया और लिक्विड धीरे धीरे कम होते होते यहाँ तक आ गया और ये मतलब ये 4 meter तक ये कम हो गया लिक्विड का, मतलब टैंक में से लिक्विड का हेड 4 meter तक कम हो गया। अब ये हेड 4 meter डायरेक्टली अगर वाटर का केस कंसिडर करते हो तो डायरेक्टली 1 meter आप कंसिडर कर सकते हो, तो ये 4 हो जाएगा, मतलब 3 - 4 अगर करते हो तो आपका एनपीएसएच -1 आ जाएगा, अगर एनपीएसएच माइनस में चला गया तो आपका पंप कैविटेट करेगा, इसलिए हम ये बॉटम टेंजेंट लाइन से कंसिडर करते हैं, क्योंकि लिक्विड अगर पूरा भी खत्म हो जाता है
तो भी हमारा टैंक जो भी पंप टैंक के लिए दिया है वो उसका एनपीएसएच नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसा केस है ये यहाँ से भी माइनस में जा रहा है तो हम क्या करेंगे, इसका इलिवेशन बढ़ाएंगे, ये जो 4 मीटर है उसको हम 5 मीटर करेंगे या फिर 6 मीटर करेंगे, ऐसा करेंगे। ओके, लेकिन एनपीएसएच हमें पॉजिटिव में लाना है, इसीलिए हम यहाँ पे इसका इलिवेशन हम मेजर करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या किया हमने, वेसल बॉटम टेंजेंट लाइन से पंप सेंट्रल लाइन तक का डिस्टेंस मेजर किया, वो मीटर में लिया, उसको बार में कन्वर्ट किया। ओके, बार में कैसे कन्वर्ट करोगे उसको, अब देखो ये क्या है, मीटर है, मतलब एच रो जी, पी इज इक्वल टू एच रो जी, उसमें डेंसिटी से मल्टीप्लाई अगर करोगे तो आपको पास्कल में मिलेगा, पास्कल का फिर 10^-5 अगर करोगे तो वो बार गेज में मिलेगा आपको। ये यूनिट कन्वर्जन का जो मैंने पहला वीडियो अपलोड किया है उसमें भी आप देख सकते हो। ओके, उसके बाद हम लाइन लॉसेस कैलकुलेट करेंगे। अब देखो यहाँ से जो भी लाइन आ रही है उसमें कुछ ना कुछ लॉसेस होंगे, ये जो वॉल्स है यहाँ पे फिटिंग्स रहेगी इसमें कुछ ना कुछ लॉसेस होंगी, उसकी वजह से भी यहाँ पे जो भी प्रेशर आ रहा है उसमें से लॉस होगा, इसलिए हम लाइन के लॉसेस कंसिडर करेंगे। उसके बाद स्ट्रेनर लॉसेस, मतलब देखो पंप के सक्शन में हमेशा एक स्ट्रेनर होता है नहीं तो फिल्टर होता है, ताकि इस टैंक में से अगर कोई इम्प्यूरिटीज आती है या फिर कोई सस्पेंडेड पार्टिकल्स आते हैं तो यहाँ पे जो भी सक्शन का फिल्टर रहेगा, मतलब स्ट्रेनर में ना, ये स्ट्रेनर भी 3 टाइप के होते हैं, वाई टाइप होता है, टी टाइप होता है और बास्केट टाइप होता है, हर एक का अलग अलग प्रेशर ड्रॉप होता है, या आप उसके वेंडर के डॉक्यूमेंट से देख सकते हो। हम नॉर्मली 0.5 bar एज्यूम करके चल सकते हैं। अगर बास्केट टाइप होता है तो उसका प्रेशर ड्रॉप बहुत ज्यादा होता है, सबसे कम प्रेशर ड्रॉप होता है वाई टाइप स्ट्रेनर का, उसके बाद होता है टी टाइप स्ट्रेनर का, उसके बाद बास्केट टाइप स्ट्रेनर का। ओके, वो हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। अब देखो अब हम टोटल सक्शन प्रेशर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल सक्शन प्रेशर कैसे कैलकुलेट होगा, 1 + 2 - 3 - 4। अब देखो 1 क्या है, सक्शन प्रेशर, सक्शन वेसल का प्रेशर। अब सक्शन वेसल का प्रेशर तो पॉजिटिव में रहेगा, स्टैटिक इलिवेशन की वजह से भी हमें हेड गेन मिलेगा, इसलिए हमने वो ये ऐड किया है। उसके बाद लाइन लॉसेस की वजह से प्रेशर ड्रॉप होगा, इसलिए हमने -3 किया, और स्ट्रेनर का लॉस भी हमें माइनस करना पड़ेगा इसलिए हमने -4 किया। ये इक्वेशन आपको समझ में आ गया, तो आपको नेट सक्शन प्रेशर इस इक्वेशन में मिलेगा, सक्शन वेसल प्रेशर प्लस स्टैटिक इलिवेशन प्लस माइनस लाइन लॉसेस माइनस ट्रेनर लॉसेस। अगर आप ये करोगे, ये देखो सब ये आपका बार में है, ये बार में, ये डेल्टा पी है, तो बार गेज क्या, बार एब्सोल्यूट क्या, दोनों सेम ही रहेगा। ये स्ट्रेनर लॉसेस है, ये भी प्रेशर ड्रॉप है, बार या बार गेज दोनों सेम ही रहेगा, इसलिए इसका यूनिट जो आएगा बार गेज में आएगा। इसको बार एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करने के लिए आपको एटमोस्फेरिक प्रेशर इसमें ऐड करना पड़ेगा, तभी आपका बार एब्सोल्यूट में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सक्शन साइड का कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया, इसमें हमने पहले देख लिया कि नेट सक्शन प्रेशर हमें कैसे कैलकुलेट करना है, ये अब यहाँ तक आ गया। अब देखते हैं हम एनपीएसएच कैसे कैलकुलेट करना है। एनपीएसएच का बेसिक फॉर्मूला, ये अगर आप किताब देखते हो ना उसमें बहुत बड़ा फॉर्मूला दिया है, वो बर्नौलीज थ्योरम या कुछ बहुत सारा यूज करके ना, एक बहुत डिफिकल्ट फॉर्मूला दिया है, लेकिन इंटरव्यूअर आपको उतना डिफिकल्ट नहीं पूछता, आपको कंसेप्ट कितना पता है। अब कंसेप्चुअल अगर आप जाते हो तो एनपीएसएच बहुत सिंपल है, आपने यहाँ पे जो नेट सक्शन प्रेशर कैलकुलेट किया है उसमें से सिर्फ हम वेपर प्रेशर माइनस करेंगे तो आपका एनपीएसएच अवेलेबल आ जाएगा। देखो कितना सिंपल है, किताब में हम रट रट लगाते पूरा पूरा याद करते थे लेकिन फिर भी एग्जाम में जाके भूल जाते थे, लेकिन अब आप नहीं भूलोगे। हमें क्या करना है, पूरा पूरा सक्शन का प्रेशर पहले हमें कैलकुलेट करना है, ये जो भी वेसल का प्रेशर है, उसके बाद ये इलिवेशन से हमें जो प्रेशर मिल रहा है उसमें से लाइन के लॉसेस माइनस करेंगे, उसमें से ये स्ट्रेनर या फिर कोई इक्विपमेंट यहाँ पे लगाया है तो उसका लॉसेस माइनस करेंगे, उसमें से सिर्फ जो भी लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर माइनस करेंगे, तो फिर हमें एनपीएसएच अवेलेबल मिल जाएगा, इतना सिंपल है। उसके बाद एनपीएसएच आर मतलब क्या रहता है, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड रिक्वायर्ड, ये जो होता है वो हमें पंप वेंडर देता है। अगर पंप वेंडर के लिए नहीं रुकना है तो आप एनपीएसएच आर के लिए आप क्या कर सकते हो, 1 मीटर का एक मार्जिन लेके उसको एनपीएसएच आर की वैल्यू भी दे सकते हो, इतना आप मेंटेन करो करके। ये क्यों देते हैं हम, आप जो भी कैलकुलेट करते हो तो यहाँ तक कैलकुलेट करते हो सक्शन प्रेशर में, तो यहाँ से इम्पेलर में जाने तक भी कुछ तो लॉसेस होंगे उस, क्योंकि वहाँ पे डायमीटर चेंज होता है, वॉल्यूट केसिंग होता है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ प्रेशर ड्रॉप होगा, तो वो अवॉइड करने के लिए पंप के स्पेसिफिक स्पीड के अकॉर्डिंग वेंडर एक एनपीएसएच हमें देता है, तो वो होता है एनपीएसएच आर, वो हमें यहाँ पे नोट डाउन करना है। इसके लिए हम सीधा, मतलब अगर वेंडर का डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं है तो उसमें से एक मीटर का मार्जिन लेते और एनपीएसएच आर हमारा फाइनल कर देते हैं। ओके, उसके बाद हम डिस्चार्ज साइड की कैलकुलेशंस देखते हैं। अब डिस्चार्ज साइड की कैलकुलेशन में अगर आप देखोगे तो पहले क्या दिया है हमें, डेस्टिनेशन
वेसल प्रेशर हमें पहले फाइंड आउट करना है, मतलब जो हमारा इक्विपमेंट है या फिर जो भी वेसल है, टैंक है, उसमें कितना प्रेशर है, हमें कितने प्रेशर तक लिक्विड डिलीवर करना है, वो हमें पहले देखना है। उसके बाद में स्टैटिक हेड, मतलब अगर वो इक्विपमेंट हाइट पे है तो उस वो हमें कितना किल करना पड़ेगा। उसके बाद में अगर पंप से इक्विपमेंट तक, पंप से जो भी हमारा डेस्टिनेशन है उसमें अगर कोई इक्विपमेंट्स है या इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें से कितना लॉस हो रहा है वो हम देखेंगे। उसके बाद हमारा जो लाइन लॉस है वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखो अब मैं ये ना एकदम आसान से आपको समझाता हूँ, यहाँ पे आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे कि हमें कैसे करना है। अब देखो आपको क्या करना है, इस पंप से मान लो यहाँ तक आपको जो भी लिक्विड है वो ट्रांसफर करना है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसको कुछ ना कुछ प्रेशर चाहिए। अब लिक्विड फ्लो कैसे होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक, अगर यहाँ पे 4 bar है और यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो क्या यहाँ से पंप से एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर है पंप के यहाँ पे, तो पंप से इस 4 bar तक लिक्विड जाएगा, नहीं जाएगा, उल्टा वापस आ जाएगा यहाँ तक। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा मेंटेन करना पड़ेगा। मान लो आपने यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 bar कर लिया और बीच में 1 meter का लॉस हो रहा है, तो क्या हो गया, ये 4 4 आ गया, फिर 4 4 इक्वल हो गए, तो भी ट्रांसफर नहीं होगा, इक्विलिब्रियम बन के खड़ा रहेगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इस ये जो भी पूरे प्रेशर से उससे ज्यादा प्रेशर हमें यहाँ पे मेंटेन करना है। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले तो हमें ये 4 bar तो यहाँ पे चाहिए ही चाहिए। उसके बाद अगर इसमें कुछ इक्विपमेंट्स हैं तो उसके अक्रॉस जितना प्रेशर ड्रॉप हो रहा है उतना भी हमें यहाँ पे जनरेट करना पड़ेगा। उसके बाद में ये 4 meter के एलिवेशन पे है और ये 5 meter के एलिवेशन पे लाइन है, मतलब ये टोटल 9 meter का एलिवेशन पे ये टैंक है, तो पूरा उसको 9 meter तक ऊपर जाना है, मतलब अगर वाटर है तो 0.9 bar उसको प्रेशर और चाहिए यहाँ पे, तो वो भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। और वो सब ऐड करने के बाद कुछ ना कुछ लॉसेस इस लाइन में भी होगी, तो वो भी हमें यहाँ पे चाहिए, मतलब यहाँ पे अगर 4 bar है, अगर यहाँ से हम 6 bar का डिलीवरी देते हैं तो ये 6 bar का ये लाइन लॉसेस माइनस होके कितना जाएगा, 5.8 तक जाएगा। उसके बाद में ये जो है 9 meter का एलिवेशन, उसमें से 0.9 bar माइनस हो जाएगा, तो फिर वो कितना हो जाएगा, 5.8 से 0.9 माइनस हो जाएगा तो 4.9 हो जाएगा। 4.9 में से अगर ये कुछ इक्विपमेंट या बाकी लॉसेस है वो माइनस करते हैं तो यहाँ पे हमें 4 bar का मिल जाएगा। इसलिए यहाँ पे हमें ज़्यादा प्रेशर चाहिए। और ये वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं पता चला ना आपको, ये हमें बैक कैलकुलेट करना है, जो भी प्रेशर है उन सबको ऐड करना है, तो हमें यहाँ पे बैक कैलकुलेट करके पंप के डिस्चार्ज में जो भी प्रेशर चाहिए वो हमें मिलेगा। उतना ही किया है यहाँ पे। अभी देखो डेस्टिनेशन प्रेशर, मतलब वो वेसल का जो भी प्रेशर है, स्टैटिक हेड 9 meter का जो मैंने आपको बताया, उसके बाद में इक्विपमेंट लॉसेस, अगर कुछ हीट एक्सचेंजर वगैरह है तो उसमें उसके अक्रॉस फिल्टर के अक्रॉस कुछ प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, तो वो कोई इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसके अक्रॉस कितना प्रेशर ड्रॉप हो रहा है वो सब ऐड करेंगे। उसके बाद लाइन लॉस ऐड करेंगे, तब हमें डिस्चार्ज के लिए कितना प्रेशर चाहिए वो हमें मिलेगा। समझ में आ गया ना आपको, देखो 1+2+3+4+5 इतना आसान है, मतलब ये आपको डिस्चार्ज प्रेशर भी मिल गया। अब देखो अब क्या करना है, हमें डिफरेंशियल हेड कैलकुलेट करना है। अब देखो बहुत सारे केसेस में ना हेड जो रहता है वो मीटर में दिया होता है, बार में नहीं दिया होता, क्यों ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। अगर नहीं आता है तो फिर मैं ये हमारे अगले आने वाले वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, ओके। लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताओ, मुझे बहुत खुशी है कि आप सभी मेरे वीडियोस पे कमेंट कर रहे हो, मुझे अच्छा लगता है कमेंट पढ़ते पढ़ते। थोड़े से टेक्निकल होंगे तो और ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी आप मुझे कमेंट करके बताओ कि हम हेड जो है वो मीटर में क्यों देते हैं, बार में क्यों मेंशन नहीं करते, ओके। अब देखो डिफरेंशियल हेड हम कैलकुलेट करेंगे। डिफरेंशियल हेड कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले डिफरेंशियल प्रेशर कैलकुलेट करना पड़ेगा। डिफरेंशियल प्रेशर मतलब, डिफरेंशियल मतलब डिफरेंस। अब देखो डिफरेंस कैसे किस में लेना है हमें, डिस्चार्ज प्रेशर और सक्शन प्रेशर, इन दोनों में से अगर हम डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं तो हमारा डिफरेंशियल प्रेशर बन जाएगा। मतलब देखो ये दोनों हमने पहले से कैलकुलेट करके रखा है, यहाँ पे हमने क्या कैलकुलेट किया है, नेट सक्शन प्रेशर कैलकुलेट किया है, और यहाँ पे हमने क्या कैलकुलेट किया है, डिस्चार्ज प्रेशर। तो यहाँ पे डिस्चार्ज प्रेशर माइनस सक्शन प्रेशर हो गया डिफरेंशियल प्रेशर आपका। उसके बाद देखो डिफरेंशियल हेड कैलकुलेट करेंगे। हेड कैसे कैलकुलेट करेंगे, P=h ρg, उसमें से हमें h की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, लेकिन हम यहाँ पे 10.2 ले रहे हैं क्योंकि डायरेक्टली हम स्पेसिफिक ग्रेविटी ले रहे हैं और 9.81 का जो भी फैक्टर है वो हम यहाँ पे ऑलरेडी कंसिडर करके एक फॉर्मूला आप डायरेक्टली याद रख सकते हो, जो भी आपका डेल्टा पी है मतलब बार में जो आपको प्रेशर मिलेगा। अब देखो ये एच रोजी में जो होता है ना वो पास्कल में होता है, उसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा बार में, तो ये डायरेक्टली कन्वर्ट करके, क्योंकि अगर इंडस्ट्री में जाते हो तो आपको पास्कल में प्रेशर नहीं मिलेगा, आपको बार में मिलेगा। इसलिए फॉर्मूला आप याद रखो, डेल्टा पी इंटू 10.2 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये अगर आप करते हो तो आपको
डायरेक्टली डिफरेंशियल हेड मिलेगा। अगर वाटर के केस में आप जाते हो तो मैंने पहले भी यूज किया, देखो अगर 9 मीटर का हेड है तो हमें 0.9 बार का प्रेशर चाहिए। तो वो कैसे कैलकुलेट किया था, सिंपल यहाँ पे हमें कैसे कैलकुलेट, 0.9 इंटू 10 अगर करते हो तो आपको 9 मिलेगा इस प्रकार, क्योंकि वाटर स्पेसिफिक ग्रेविटी तो 1 रहती है। इस प्रकार इसी प्रकार आप किसी भी लिक्विड के लिए कैलकुलेट कर सकते हो और डिफरेंशियल हेड कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, उसके बाद मैक्सिमम शट ऑफ हेड आपको कैसे कैलकुलेट करना है। शट ऑफ हेड आपको क्यों चाहिए, ये जो भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो ना उसमें हर जो कैलकुलेशन आप करते हो उसको एक सिग्निफिकेंस है, उसी तरह शट ऑफ हेड को ये सिग्निफिकेंस है। अगर आपने डिस्चार्ज वाल पूरा क्लोज कर दिया तो पंप तो बंद नहीं है आपका, तो कुछ ना कुछ प्रेशर जनरेट करता रहेगा, तो उसका प्रेशर मैक्सिमम लेवल पे जाएगा। तो वो मैक्सिमम प्रेशर क्या रहेगा, मतलब अगर फ्लो आपका जीरो है तो उसका जो भी एनर्जी वो कन्वर्ट कर रहा है, क्योंकि देखो न्यूटन का एक लॉ भी है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट सिंपली कन्वर्ट्स वन फॉर्म टू अनदर। तो जो भी आपका काइनेटिक एनर्जी है उसको प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो, तो आपने फ्लो रिस्ट्रिक्ट किया है तो पूरा वो जो प्रेशर जनरेट हो रहा है पूरा सिर्फ प्रेशर में ही बढ़ेगा, तो प्रेशर बढ़ते बढ़ते जाएगा शट ऑफ तक जाएगा। तो अगर आपने लो प्रेशर पे कोई सिस्टम डिजाइन किया और पंप आपने उसकी डिस्चार्ज का वॉल क्लोज कर दिया तो पूरे लाइन में वहां तक प्रेशर बढ़ जाएगा और वो पाइप फूट सकती है, वो इक्विपमेंट फूट सकता है। इसलिए पंप के डिस्चार्ज में जो भी इक्विपमेंट्स है उसको हमें उसके शट ऑफ पे डिजाइन करना है, मतलब कोई भी डिजाइन प्रेशर अगर हीट एक्सचेंजर पंप के डिस्चार्ज में है तो उसका डिजाइन प्रेशर आपको पंप का शट ऑफ हेड कंसिडर करना है। अगर मान लो कोई पीएसवी वगैरह दे रहे हो आप फिल्टर पे, तो वो फिल्टर का पीएसवी भी आपको शट ऑफ हेड पे ही कंसिडर करना है इसी प्रकार। ओके, तो शट ऑफ हेड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैक्सिमम सक्शन प्रेशर प्लस 1.25 इंटू डिफरेंशियल हेड, मतलब ये जो हमने ऊपर डिफरेंशियल हेड कैलकुलेट किया है उस पर हम 25% मार्जिन लेंगे, और मैक्सिमम सक्शन प्रेशर, मतलब देखो सक्शन प्रेशर हम मैक्सिमम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने पहले भी आपको ये डायग्राम में समझाया था, ये यहाँ पे जब ये टैंक पूरा जब भरा हुआ रहेगा तो यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पूरा मैक्सिमम जनरेट करेगा, तो हम यही कंसिडर करेंगे। और मान लो ये 3 बार पे है ना, इसका डिजाइन प्रेशर 5 बार पे है, तो 5 बार इसके पीछे से कोई एबनॉर्मिलिटी हो गई और ये 5 बार तक चला गया, अब तब हम इसका प्रेशर 5 बार कंसिडर करेंगे और ये कंसिडर करेंगे कि ये पूरा भरा हुआ है और इस लाइन में कोई भी लॉसेस नहीं हो रहे, पूरा का पूरा यहाँ पे आ रहा है, मतलब एक हाइपोथेटिकल केस है। ये कंसिडर करके हम शट ऑफ हेड कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे देखो क्या कैलकुलेट किया हमने, P1 मतलब मैक्सिमम प्रेशर जो है उस टैंक का वो, उसके बाद में हाई लिक्विड लेवल प्लस एलिवेशन माइनस सेंटर लाइन, मतलब ये सेंटर लाइन तक, यहाँ पे मैंने लिया लाइन लॉसेस माइनस टेनर लॉसेस, ये होंगे ही, लेकिन अगर आपको कंजर्वेटिव जाना है तो आप ये भी कैंसिल कर सकते हो, जो कि मैंने हमारे एक्सेल शीट में कंसिडर नहीं किया और इंडस्ट्री में भी कभी कभी कंसिडर नहीं करते, मतलब ये डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे माइनस ये लॉसेस माइनस नहीं करते तो क्या होता है, शट ऑफ हेड आपका ज्यादा आ जाता है, और शट ऑफ हेड आपका ज्यादा आ जाता है तो पूरा आपका सामने वाला, अभी मैंने बताया हीट एक्सचेंजर वगैरह का पूरा डिजाइन प्रेशर आपका शट ऑफ हेड होता है, तो पूरे वो ओवर डिजाइन हो जाएंगे। तो आपको डिसाइड करना है, मतलब कभी कभी डिजाइन बेसिस में मेंशन ही किया होता है कि हमें कैसे कैलकुलेट करना है, आपको लाइन लॉसेस माइनस करने हैं या नहीं करने हैं, स्टैंडर्ड लॉसेस माइनस करना है या नहीं करना है, क्योंकि वो तो होंगे ही होंगे, लेकिन फिर भी डिजाइन बेसिस आप चेक कर लेना। अभी मैंने जो प्रोजेक्ट किए उसमें लाइन लॉसेस वगैरह कुछ कंसिडर नहीं करते थे हम शट ऑफ प्रेशर की, कुछ क्योंकि हम थोड़ा सा कंजर्वेटिव साइड में जाते थे। ओके, चलो अब हम पावर कैलकुलेशन देखते हैं। पावर कैलकुलेशन क्या है, सबसे पहले आपको हाइड्रोलिक पावर पता होना चाहिए। हाइड्रोलिक पावर आप कैसे कैलकुलेट करते हो, आपको वो फॉर्मूला पता होगा, पावर इज इक्वल टू रो जी क्यू एच, उसमें क्या है क्यू जो है वो मीटर क्यूब पर सेकेंड में है, लेकिन इंडस्ट्री में अगर आप देखते हो तो इंडस्ट्री में आपको मीटर क्यूब पर सेकेंड में इतना कन्वर्जन कब करोगे, आपको जो भी फ्लो मिलेगा मीटर क्यूब पर आवर में होगा, क्योंकि फ्लो बहुत ज्यादा होता है, तो इसका कन्वर्जन करते हुए नहीं बैठना चाहिए, इसलिए मैंने आपको फॉर्मूला डायरेक्टली दिया है। अगर आपको मीटर क्यूब पर आवर में फ्लो रेट पता है और प्रेशर ड्रॉप मतलब डिफरेंशियल प्रेशर पंप के अक्रॉस का जो भी डिफरेंशियल प्रेशर है वो आपको पता है, वो बार में पता है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे पुट करोगे क्यू इंटू मीटर क्यूब पर आवर एंड डिफरेंशियल प्रेशर इन बार, एंड इफ यू डिवाइड इट बाई 36.71 यू विल डायरेक्टली गेट हाइड्रोलिक प्रेशर। ओके, ये होता है। उसके बाद ब्रेक हॉर्स पावर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ब्रेक हॉर्स पावर मतलब देखो, ब्रेक हॉर्स पावर क्या होता है, मान लो ये आपका पंप है, उसको आपने ये मोटर कनेक्ट किया है, उसको आपने ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दिया है। ओके,
ये मोटर है और ये पंप है। तो ये पंप के अक्रॉस जो भी हाइड्रोलिक पावर आपको लग रहा है उसको जो मोटर प्रोवाइड कर रहा है उसमें कुछ ना कुछ लॉसेस हो रहे हैं। तो मान लो उसकी एफिशिएंसी 70% है तो ट्रांसमिशन की, तो ये जो आपका ब्रेक हॉर्स पावर रहेगा वो क्या रहेगा, हाइड्रोलिक पावर डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। मतलब मान लो आपकी हाइड्रोलिक पावर आपकी यहाँ पे 10 किलोवाट आ गई है तो 10 डिवाइडेड बाय अगर आप 0.7 करते हो तो आपको जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी BHP में आ जाएगी। उसके साथ साथ मोटर हॉर्स पावर मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो दे रहे हो उसमें से भी कुछ लॉसेस होंगे मोटर तक जाने के लिए। तो यहाँ की वैल्यू जाहिर है, देखो ये बड़ी होनी चाहिए वैल्यू, मतलब यहाँ पे बड़ी होगी या उससे कम यहाँ पे आ जाएगी क्योंकि लॉसेस होंगे और उससे कम यहाँ पे आ जाएगी क्योंकि लॉसेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी मान लो आपकी इफिशियंसी है 75%, तो यहाँ पे आपका ब्रेक हॉर्स पावर जितना आया है BHP डिवाइडेड बाय अगर आप इसकी इफिशियंसी मतलब 0.75 करते हो तो आपको ये मोटर हॉर्स पावर मिल जाएगा। ओके चलो देखो कितना आसान है पंप का। पंप बोल के ना इतना डिफिकल्ट हम बना लेते हैं ना, और इंटरव्यूअर का भी फेवरेट टॉपिक होता है पंप। अगर आपका इंटरव्यू एक बार पंप पे आ जाता है तो आपका खत्म हो जाएगा पूरा इंटरव्यू पंप पे। ये जो स्टेप्स में बता रहा हूँ ना ये भी मुझे एक इंटरव्यूअर ने पूरा लिखने के लिए बोला था, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद करके रखो। ये जो स्लाइड से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने आप खुद से लिखो, अपने आप खुद से प्रॉब्लम्स क्रिएट करो और सॉल्व करो, तभी जाके आपको ये समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं क्राइटेरिया फॉर सक्शन एंड डिस्चार्ज लाइन्स। अब देखो सक्शन में अगर आप देखते हो तो हमें प्रेशर ड्रॉप मिनिमम चाहिए, क्यों, क्योंकि हमें NPSH मीट करना है। और डिस्चार्ज में अगर देखते हो, अगर आप डिस्चार्ज में प्रेशर ड्रॉप बहुत ज़्यादा रखते हो तो क्या होगा, डिस्चार्ज में प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा रखोगे तो डिफरेंशियल प्रेशर बढ़ जाएगा, डिफरेंशियल प्रेशर बढ़ जाएगा तो पंप का साइज बढ़ जाएगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसलिए आपको जो भी रखना है ना वेलोसिटी या फिर प्रेशर ये जो भी है आपको ऑप्टिमम रखना है ताकि आपका NPSH भी इधर मीट हो जाना चाहिए और डिस्चार्ज में अगर आप कंसिडर करते हो तो पंप के केस में लाइन के केस में वेलोसिटी बहुत कम होगी तो सेडिमेंटेशन करोजन ये सब नहीं होना चाहिए, और वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगा तो प्रेशर ड्रॉप बढ़ के डिफरेंशियल प्रेशर बढ़ के पंप की कैपेसिटी ना बढ़े, और प्रेशर वेलोसिटी अगर बहुत ज़्यादा होती है तो उसमें कुछ इरोजन या फिर वाइब्रेशंस भी ना जाए। इसलिए हमें एक ऑप्टिमम लाइन साइज सिलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सक्शन में आप क्या करोगे, प्रेशर ड्रॉप जो भी है वो 0.2 bar per 100 meter मेंटेन करोगे, मतलब इसके नीचे 0.2 के नीचे ही आपको मेंटेन करना है। उसके बाद वेलोसिटी भी देखो बहुत कम है एज कम्पेयर टू डिस्चार्ज। डिस्चार्ज में आप क्या करोगे, लेस देन 0.45 bar per 100 meter तक आप मेंटेन कर सकते हो, और वेलोसिटी जो है वो 1.8 से 3.2 meter per second तक आप मेंटेन करते हो। देखो एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि मैंने 20 बार तक की भी पंप देखे, आप ये 0.2 0.45 तक ही मेंटेन करना है क्यों बोलते हो। ये देखो ये है ना प्रेशर ड्रॉप है, ये प्रेशर नहीं है। पंप का प्रेशर आप कितना भी ले सकते हो, 100 बार तक का भी प्रेशर आप ले सकते हो अगर चाहिए तो, बूस्टर पंप वगैरह लगा के कुछ भी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है तो आप उतना भी बढ़ा सकते हो। लेकिन ये जो है ना ये क्राइटेरिया है, मतलब ये क्राइटेरिया क्या सिग्निफाई करता है कि अगर आपकी एक 100 मीटर की पाइप आप कंसिडर करते हो तो उस 100 मीटर के पाइप के अक्रॉस आपका प्रेशर ड्रॉप जो हो रहा है, मतलब यहाँ पे मान लो आपका 2 बार प्रेशर है या फिर 2.45 बार प्रेशर है, तो 100 मीटर की लेंथ ट्रैवल करने के बाद उसको डिस्चार्ज में 2.0 बार प्रेशर आपको मिलना ही चाहिए, सिर्फ इतना ही प्रेशर ड्रॉप होना चाहिए, ये इसका मतलब है। मतलब एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरह है, मतलब कैसे अगर ये रेफरेंस के लिए आप कंसीडर करो 100 मीटर के लिए आपका 0.45 बार का प्रेशर ड्रॉप होना चाहिए, अगर आपकी 1000 मीटर लेंथ होगी तो कितना होगा 4.5 बार प्रेशर ड्रॉप होना चाहिए। मतलब यहाँ पे अगर डिस्टेंस 1000 मीटर आ रहा है, मतलब उसमें बेंड्स कंसीडर करके एल्बोज कंसीडर करके आपका पूरा जो इक्विवेलेंट लेंथ आ रहा है वो 1000 मीटर आ रहा है, तो यहाँ पे अगर प्रेशर आपका कितना है 24.5 है तो यहाँ तक आते समय वो 20 आना चाहिए, समझ रहे हो ना आप, 1000 मीटर की लेंथ होगी तो। ओके क्लियर है ना अभी ये क्राइटेरिया क्या है प्रेशर ड्रॉप का। ओके वेलोसिटी का तो आपका आसान है, ये आप समझ लो। चलो उसके बाद हम देखते हैं कैलकुलेशन समरी, मतलब आपने पंप का पूरा कैलकुलेशन तो कर लिया, अब कौन कौन से पॉइंट है जो आपको वेंडर को देना पड़ेगा या फिर आपके पंप किस पैरामीटर से कैरेक्टराइज होगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है,
नेट सक्शन प्रेशर, मतलब सक्शन प्रेशर कितना है वो आपको इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एनपीएसएच अवेलेबल कितना है मीटर में, उसके बाद एनपीएसएच रिक्वायर्ड क्या है, उसके बाद डिफरेंशियल प्रेशर क्या आ रहा है, मतलब हमने कैलकुलेट किया था डिस्चार्ज प्रेशर माइनस सक्शन प्रेशर। देखो डिस्चार्ज सॉरी ये डिस्चार्ज प्रेशर यहाँ पे दिया है और डिफरेंशियल प्रेशर हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। लेकिन डेटा शीट में अगर देखते हो तो डिस्चार्ज प्रेशर और डिफरेंशियल प्रेशर दोनों नहीं देते। अगर आपको सक्शन प्रेशर दिया है तो सिर्फ डिफरेंशियल प्रेशर ही दे देंगे, क्योंकि पैरामीटर्स हम रिपीट नहीं करते। अगर आपको डिस्चार्ज प्रेशर चाहिए तो फिर आप नेट सक्शन प्रेशर को डिफरेंशियल प्रेशर में ऐड करके कैलकुलेट कर सकते हो, समझ रहे हैं ना। ओके, उसके बाद डिफरेंशियल हेड कैलकुलेट किया आपने मीटर में, उसके बाद हाइड्रोलिक पावर कैलकुलेट किया, उसके बाद ब्रेक हॉर्स पावर कैलकुलेट किया, उसके बाद में शट ऑफ हेड कैलकुलेट किया। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। इसके बाद हम जो एक्सेल शीट मैंने बनाई है वो डिस्कस करेंगे। ओके चलो अब एक रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो मैं एक प्रोसेस इंजीनियर हूँ, मैं पायोज इंजीनियरिंग में काम करता हूँ और मुझे बताया गया कि मुझे एक पंप का साइजिंग करना है। तो देखो सबसे पहले तो मैं उनकी पंप की शीट देख लूंगा, उसमें क्या क्या पैरामीटर्स मुझे चाहिए एक बार रीड कर लूंगा। उसके बाद डायरेक्टली मैं जाऊँगा प्रोसेस डिस्क्रिप्शन पे, डॉक्यूमेंट पे। प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में पढ़ूंगा पहले उस पंप के लिए। उस पंप के लिए प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में क्या दिया है, पंप PA101 इज यूज टू ट्रांसफर वाटर फ्रॉम वेसल TA101 टू थ्री डिफरेंट लोकेशंस, दैट इज बी सी एंड डी। ओके ये तो मुझे पता चल गया कि पंप PA101 जो है वो वाटर ट्रांसफर के लिए लगाया गया है, और वाटर हम कहाँ से कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, TA101 से बी सी एंड डी, इन थ्री लोकेशन को हम ट्रांसफर कर रहे हैं। उसके बाद में PNID, PFD, आइसोमेट्रिक, इसमें से ये तीनों ड्रॉइंग या फिर इसमें से जो भी अवेलेबल होंगे वो लूंगा और यहाँ पे देखूंगा। अब ये PFD में कैसे रहता है, PFD में आपको क्या दिखेगा, ये वेसल दिखेगा, ये स्ट्रीम नंबर दिखेंगे, पंप दिखेंगे, स्ट्रेनर वगैरह दिखेंगे, उसके बाद में तीन लोकेशन दिखेंगे, इतना ही दिखेगा। उसके बाद PNID अगर आप देखते हो तो PNID में क्या दिखेंगे, वेसल दिखेंगे, उसके साथ ही वॉल्स, देन स्ट्रेनर, पंप, उसके बाद में डिस्चार्ज में कोई NRV है, वॉल्स है, फिसक्शन फिल्टर है या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट्स है, ये सब दिखेंगे। आइसोमेट्रिक्स में क्या दिखेगा, आइसोमेट्रिक्स में उसका एलिवेशन दिखेगा, उसके बाद में पाइप की लेंथ दिखेगी, वॉल्स दिखेंगे, एल्बोज दिखेंगे, टीज दिखेंगे, बेंड्स दिखेंगे, ये सब आपको आइसोमेट्रिक में दिखेगा। आइसोमेट्रिक में आपको प्रेशर वगैरह नहीं दिखेगा, वो PNID में ही दिखेगा। ओके ये सब है, ये मैं देखूंगा। उसके बाद मैं डायरेक्टली जाऊंगा पंप हाइड्रोलिक्स के शीट पे। अब ये शीट भरना स्टार्ट करूंगा। शीट भरने के लिए प्रोजेक्ट का लोकेशन क्या, प्रोजेक्ट का लोकेशन मान लो दुबई है, दुबई का प्रोजेक्ट है ये, दुबई का प्रोजेक्ट है। और क्या करना है हमें, सॉल्वेंट रिकवरी का प्रोजेक्ट करना है। प्रोजेक्ट नंबर हमें प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट से ये मिल गया है। उसके बाद ये शीट नंबर देखो, हमारे पास टोटल मान लो कितने शीट है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 शीट है। तो मैंने 6 डाल दिया यहाँ पे, क्योंकि हम ये पूरा डिलीवरेबल है तो 6 में से 6 है और ये 5 में से 5 आउट ऑफ 6 होगा इस प्रकार। उसके बाद यहाँ पे रिविजन नंबर, ये लाइन साइजिंग का जो मैंने वीडियो पहले बनाया है उसमें भी ये आपको एक्सप्लेन किया है कैसे भरना है क्या करना है, वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं। ओके उसके बाद देखो अब पंप का टैग नंबर, पंप का टैग नंबर आपको कहाँ पे मिलेगा, यस प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा और PNID में भी मिलेगा। आप हमने पहले भी रीड किया है, पंप का टैग नंबर कितना है, PA101। उसके बाद में नंबर ऑफ ऑपरेटिंग पंप्स कितने हैं, अब PNID में आप गए, PNID में इसमें कोई आपको स्टैंड बाय पंप दिख रहा है या फिर कोई पैरेलल में पंप दिख रहा है, नहीं कोई पैरेलल में पंप नहीं है, तो फिर आपका यहाँ पे सिर्फ एक ही पंप आ जाएगा। यहाँ पे गए, एक पंप डाल दिया। उसके बाद में पंप का लोकेशन, मान लो ये जो है ये आपको प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, लेकिन हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं ये जो भी पंप है हमारे टैंक फार्म एरिया में है, टैंक फार्म एरिया में है। उसके बाद में सर्विस फ्लूड, सर्विस फ्लूड हमने प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में भी पढ़ लिया, वाटर है हमारे पास तो हम यहाँ आ गए, वाटर डाल दिया। उसके बाद देखो, उसके बाद नॉर्मल टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम, ये हमें डालना है। तो हम गए PFD में, गए PFD में हमने स्ट्रीम नंबर चेक किया, स्ट्रीम नंबर चेक करके हम HMBD में गए। HMBD में एक नंबर का स्ट्रीम क्या है, फ्लूड वाटर है और उसके साथ टेम्परेचर कितना है, मिनिमम 20, नॉर्मल 34 और मैक्सिमम 50, ये हमने यहाँ पे डाल दिया। नॉर्मल कितना है हमारा 34, उसके बाद मिनिमम है 20, उसके बाद मैक्सिमम है 50। ओके उसके बाद देखो डेंसिटी, विस्कोसिटी, वेपर प्रेशर, ये भी आप HMBD में गए, डेंसिटी कितना है 1000, विस्कोसिटी 1 है, वेपर प्रेशर 0.123 है, ये आपने वहाँ पे डाल दिया। डेंसिटी 1000 है, उसके बाद में विस्कोसिटी 1 है, वेपर प्रेशर 0.123 है।
अब हमें भरना है नॉर्मल मास फ्लोरेट। नॉर्मल मास फ्लोरेट के लिए आप एचएमबीडी में गए, एचएमबीडी में गए क्या है नॉर्मल मास फ्लोरेट, यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक फ्लोरेट दिया है 1000, तो उसके हिसाब से मास फ्लोरेट हो जाएगा 1 लाख, 1, 2, 3, ओके 1 लाख हो गया। तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लोरेट देखो 100 मीटर के ऊपर आ रहा है। इसके बाद में डिज़ाइन मार्जिन आपको डिज़ाइन बेसिस में मिलेगा। आप डिज़ाइन बेसिस में गए, आपको मार्जिन कितना लेना है 10% लेना है, तो आप हाइड्रोलिक्स में आ गए, आपने 10% डाल दिया। उसके बाद देखो यहाँ पे डिज़ाइन वॉल्यूमेट्रिक फ्लोरेट कितना आ गया 110 मीटर के ऊपर आ रहा है, ओके। अब कैलकुलेशन स्टार्ट होगा। अब आपको क्या करना है, सक्शन वेसल का ऑपरेटिंग प्रेशर, सक्शन साइड के कैलकुलेशन आपको स्टार्ट करने है। तो सक्शन साइड के कैलकुलेशन करने के लिए जो हमने पीपीटी में भी देख लिया था, सबसे पहले आपको क्या पुट करना है, सक्शन वेसल का ऑपरेटिंग प्रेशर। आप गए पीएनआईडी में, सक्शन वेसल का ऑपरेटिंग प्रेशर कितना है 3 bar gauge, तो आपने यहाँ पे डाल दिया 3 bar gauge है, यहाँ पे एब्सोल्यूट में डालना है। तो हमने क्या किया 3 + 1.013, ओके ये 4.01 आ गया। उसके बाद इलिवेशन ऑफ सक्शन वेसल, अब देखो ये इलिवेशन में यहाँ पे डाल देता हूँ, लेकिन यहाँ एक ही जगह आपको डालना है। अब आपके लिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, आपको समझना है एक्सेल शीट कैसे वर्क करता है। देखो यहाँ पे मैंने 4 डाल दिया। अब वेसल लो लिक्विड लेवल, अब कैसा है आपको ये भी आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना मार्जिन लेना है। अब यहाँ पे आपको मैंने भी वो जो पीपीटी एक्सप्लेन करते समय भी बताया कि जितना लिक्विड आप ऊपर लोगे तब उस लिक्विड के लिए तो आपको एनपीएसएच मिल जाएगा, लेकिन लिक्विड लेवल अगर नीचे आ जाता है तो आपका प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आपको डिसाइड करना है कहाँ तक लेना है। मैं तो यहाँ पे बॉटम टेंजेंट लाइन तक ही ले रहा हूँ, लो लिक्विड का लेवल तक कंसिडर नहीं करूँगा, इसीलिए मैं यहाँ पे लो लिक्विड लेवल में 0 ही डाल देता हूँ, क्योंकि 0 तक पूरा पंप काम करना चाहिए, नहीं तो फिर क्या करेगा वो। यहाँ पे आपका एनपीएसएच आपने यहाँ पे मीट कर दिया तो यहाँ पे लिक्विड आने के बाद पंप कैविटेट होना स्टार्ट कर देगा, इसलिए मैं उसके नीचे मतलब एकदम बॉटम टेंजेंट लाइन तक पंप काम करना चाहिए, इसलिए मैं 0 डाल देता हूँ। उसके बाद पंप सेंटर लाइन एलिवेशन, आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ये क्यों माइनस करना है, देखो ये नीचे से पंप के ग्रेड से पंप का सेंटर लाइन ऊपर है, ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर में इतना तो आपको मतलब ये थोड़ा सा मार्जिन लेने के लिए वो कंसिडर करते हैं, क्योंकि पंप ओवर साइज नहीं होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे 0.75 मान लो आपने यहाँ पे सेंटर लाइन तक का डिस्टेंस माइनस कर लिया। अब देखो यहाँ पे भी देख लो आप ये वर्क कैसे करता है। पहले हमने क्या किया E28 + E29 - E30, मतलब ये प्लस ये माइनस ये, इनका माइनस करके मल्टीप्लाई किससे किया E29 से E19 से, मतलब डेंसिटी से। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई किया 9.81 से, डिवाइड किया 1 लाख से, मतलब ये हमें जो मीटर में है एच रोजी का फॉर्मूला लगा के हमने उसको बार में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद देखो सक्शन लाइन के प्रेशर ड्रॉप हमें कैलकुलेट करने, सक्शन लाइन के प्रेशर ड्रॉप आप कहाँ पे कैलकुलेट करोगे, लाइन साइजिंग की शीट में। आपको लाइन कहाँ से कहाँ तक है, टैंक से लाइन है, कहाँ तक लाइन है, पंप तक है। उसके बाद देखो फ्लूड कौन सा है, वाटर है। उसके बाद में विस्कोसिटी 1 है, डेंसिटी 1000 है। उसके बाद नॉर्मल टेम्परेचर कितना हमने एचएमबीडी में देख लिया था, नॉर्मल टेम्परेचर 34 है, मिनिमम टेम्परेचर 20 है, मैक्सिमम टेम्परेचर 50 है। उसके बाद अपस्ट्रीम प्रेशर देखो, अब इस केस में तो आपको अपस्ट्रीम प्रेशर ही डालना पड़ेगा, क्योंकि आप कहाँ से जा रहे हो, टैंक से पंप तक, आपको पता कौन सा है अपस्ट्रीम का, टैंक का ही पता है। तो टैंक का कितना आपको पता है, 12 gauge में डालना है, कितना है 3 bar gauge है, तो आप गए यहाँ पे 3 bar gauge डाल दिया। उसके बाद में लाइन साइज आपको एज्यूम करना है, मान लो आपने लाइन साइज आपको एज्यूम करना है तो आप कहाँ पे गए, पहले तो पीएफडी में गए, एक नंबर का स्ट्रीम लाइन देख लिया, एचएमबीडी में गए, फ्लोरेट कितना है 100 मीटर क्यूब पर आवर, 100 मीटर क्यूब पर आवर के लिए नॉर्मली 6 से 8 inch का लाइन लग जाता है, तो आपने मान लिया यहाँ पे 6 inch का लाइन साइज एज्यूम कर लिया। 6 inch का लाइन साइज एज्यूम करने के बाद शेड्यूल आपने 40 चूज कर लिया, मान लो यहाँ पे शेड्यूल आपने 40 चूज कर लिया। उसके बाद मटेरियल आपने स्टील चूज कर लिया। उसके बाद इनसाइड डायमीटर 5.8, ओके 5.8। उसके बाद में फ्रिक्शन फैक्टर मान लो आपने 0.005 कंसीडर कर लिया। अब इनसाइड डायमीटर डाल दिया, ये इंच फ्रिक्शन फैक्टर डाल दिया। उसके बाद में मास फ्लोरेट हमारा कितना है 1 लाख, हमने पहले भी कैलकुलेट किया था, ये कितना हो गया 1 लाख हो गया, तो 100 मीटर क्यूब पर आवर का फ्लोरेट आ गया। लाइन वेलोसिटी, अब देखो लाइन वेलोसिटी कितनी आ गई यहाँ पे 1.6 आ गई, इतना चलता है क्या हमें, हमें एक से नीचे अगर लाना है
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 8 इंच करेंगे, इसको 8 इंच कर लिया और इसका इनसाइड डायमीटर बन जाएगा 7.8 बन गया। अब हो गया ये कितना हो गया, यहाँ पे वेलोसिटी देखो 0.9 हो गया। अब ये ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये यहाँ पे आ गया। अब लाइन का लेंथ वगैरह, लाइन का लेंथ आप PNID में गए, आइसोमेट्रिक ड्राइंग में गए, आइसोमेट्रिक में जाने के बाद आपको ये 4 मीटर का एलिवेशन वाला लेंथ मिल गया। उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल 5 मीटर, मतलब टोटल 9 मीटर का लेंथ है। ये एलिवेशन वाला हाइट भी आपको कंसिडर करना है। वो क्यों करना है, वो मैंने आपको लाइन साइजिंग की शीट में एक्सप्लेन किया है, आप जाके वो देख लो। लाइन लेंथ कितना हो गया, 9 मीटर का हो गया। उसके बाद में नंबर ऑफ बेंड्स, नंबर ऑफ बेंड्स एक रहेगा। उसके बाद वॉल्स एक है, उसके बाद चेक वॉल कोई नहीं रहेगा सेक्शन में। उसके बाद टी थ्रू रन 0 रहेंगे, टी थ्रू एल्बो 0 रहेंगे। उसके बाद देखो एलिवेशन, ये मैं आपको समझा रहा था, एलिवेशन सिर्फ आपको एक ही जगह पे डालना है। आपने अगर सक्शन के केस में यहाँ पे एलिवेशन डाला है तो यहाँ पे एलिवेशन नहीं डालना, नहीं तो डबल हो जाएगा वो। आप यहाँ पे 0 कंसिडर कर लो, ओके। उसके बाद अदर प्रेशर ड्रॉप, सक्शन में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे एक स्ट्रेनर है और बाकी कुछ इक्विपमेंट्स नहीं रहते। अगर कुछ है तो उसके लिए हम यहाँ पे 1.5 बार का प्रेशर ड्रॉप एज्यूम कर लेते हैं, 0.5 बार, ओके। तो टोटल हमारा प्रेशर ड्रॉप कितना हो गया, 0.65। अब हम हमारा जो भी प्रेशर ड्रॉप आ गया इसको हम यहाँ पे हाइड्रोलिक्स के शीट में देखते हैं। ये हो गया 0.65 प्रेशर ड्रॉप और ये बाकी के पैरामीटर्स भी अपने आप कैलकुलेट होके आ गए। नेट सक्शन प्रेशर कितना आ गया, उस 3.68 बार एब्सोल्यूट, उसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया उस HRG के फॉर्मूला से। उसके बाद NPSH अवेलेबल, जो भी आपका पंप हेड सक्शन हेड आ गया है उसमें से आप वेपर प्रेशर माइनस करोगे तो फिर आपको ये NPSH अवेलेबल मिल जाएगा। मार्जिन आपको कितना कंसिडर करना है, अगर आप डिज़ाइन बेसिस में जाते हो तो यहाँ पे NPSH मार्जिन आपको दिया है 1 मीटर का, तो आप यहाँ पे आ गए 1 मीटर का NPSH मार्जिन आपने कंसिडर कर लिया, तो ये 35 मीटर का NPSH आपको मिल गया। उसके बाद देखो, उसके बाद आपको करना है डिस्चार्ज साइड की कैलकुलेशन। अब डिस्चार्ज साइड की कैलकुलेशन करते समय मैक्सिमम डेस्टिनेशन प्रेशर ये आपको क्या डालना है। अब देखो, अगर आप ये हमारा PNID देखते हो तो PNID में क्या है, अलग अलग डेस्टिनेशन है, तो इसमें से कौन सा लोगे। अब क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम है लेकिन यहाँ पे एलिवेशन ज़्यादा है, क्या पता एलिवेशन की वजह से यहाँ पे भी ज़्यादा प्रेशर लगे। इसलिए कौन सा आपको डेस्टिनेशन चूज करना है ये आपको बहुत ध्यान से देखना है। इसलिए आप क्या करो कि डेस्टिनेशन आप बी चूज करो और बाकी प्रेशर बी तक कैलकुलेट करो। जो भी मैक्सिमम प्रेशर बी पे आ जाएगा वो डेस्टिनेशन कंसिडर करके यहाँ तक आप कैलकुलेट करो। तो पहले आप क्या करोगे, सी से बी तक प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेट करोगे, डी से बी तक कैलकुलेट करोगे, ई से बी तक कैलकुलेट करोगे और फिर बी से पंप तक कैलकुलेट करोगे। समझ रहे हो ना, देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, पहले पंप हाइड्रोलिक्स में गए, लाइन साइजिंग में गए। लाइन साइज में जाने के बाद डिस्चार्ज के साइड में आप पहले क्या किया, आपने सी से बी तक कैलकुलेट किया, उसके बाद डी से बी तक कैलकुलेट करोगे, उसके बाद ई से बी तक कैलकुलेट करोगे। अब देखो ये तो आपका सेम है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर लेता हूँ। नॉर्मल मैक्सिमम ये सेम है, ये मैं यहाँ पे कंट्रोल वी कर लेता हूँ। इसके बाद देखो अपस्ट्रीम प्रेशर, अपस्ट्रीम प्रेशर मतलब आपको सी का प्रेशर जो भी है ये आपको पता है। सी का प्रेशर कितना है आपके पास, यहाँ पे सी का प्रेशर आपको PNID में गए, 4 बार का प्रेशर है, तो यहाँ पे आ गया 4 बार का प्रेशर डाल दिया यहाँ पे। और नॉर्मल नॉमिनल डायमीटर आपने अज्यूम कर लिया क्योंकि यहाँ पे फ्लो कम है, तो आपने मान लो 4 इंच का, 3 इंच की लाइन अज्यूम कर ली। और उसके बाद में पाइप डायमीटर, पाइप शेड्यूल 40 चूज कर लिया। उसके बाद मटेरियल स्टील चूज कर लिया। उसके बाद इनसाइड डायमीटर जो है, इनसाइड डायमीटर आपका 3 इंच का लाइन है तो 2.8 आप कंसिडर कर लो टेंटेटिवली, तो आपका 71 mm आ गया। और ये यहाँ पे फ्रिक्शन फैक्टर 0.005 एज्यूम कर लो। उसके बाद फ्लोरेट, देखो फ्लोरेट आप क्या करोगे, PFD में गए, फ्लोरेट सी B2C 3, 3 नंबर का स्ट्रीम नंबर, HMBD में गए 3 नंबर का देख लिया, 3 नंबर में कितना फ्लोरेट है, 50 है, तो लाइन साइजिंग में आ गए 50,000 डाल दिया यहाँ पे। यहाँ पे आ गया वॉल्यूमेट्रिक फ्लोरेट 50 m³/h। आप ये बाकी के लाइन वेलोसिटी आपकी 3.5
और प्रेशर ड्रॉप आ गया 0.21 0.21 ओके, क्योंकि हमारा क्राइटेरिया क्या है 0.41 तक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पाइप की लेंथ देखो, पाइप की लेंथ आप गए आइसोमेट्रिक में कितना है, 4 मीटर प्लस 40 मीटर 84 मीटर का लेंथ है टोटल। यहाँ पे आपने डाल दिया 84, उसके बाद नंबर ऑफ बेंड्स आपने डाल दिए, नंबर ऑफ बेंड्स और एल्बोज आपको आइसोमेट्रिक से मिलेंगे कितना है। बी टू सी देखो, बी टू सी में दो वॉल्स हैं और एन आर वी एक है, एल्बो एक है और फिटिंग एक है। तो यहाँ पे आ गए वॉल्स दो है, बेंड्स एक है, चेक वॉल एक है, टीथ रून एक है, ये जीरो है। उसके बाद में एलिवेशन इंक्रीज, उसमें कुछ एलिवेशन हो गया है क्या। अब देखो यहाँ पे ना पंप हाइड्रोलिक के केस में यहाँ पे हम मैक्सिमम डिस्चार्ज एलिवेशन, यहाँ पे जो एलिवेशन है हम बी तक डालेंगे, लेकिन बी से ऊपर जो एलिवेशन है वो हम उधर कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये कितना एलिवेशन है, बी पॉइंट से ऊपर 4 मीटर का एलिवेशन है, तो हम यहाँ पे 4 मीटर का एलिवेशन डाल देते हैं, 4 मीटर का एलिवेशन, और अदर प्रेशर ड्रॉप जीरो कंसिडर कर लेते हैं, तो हमें टोटल प्रेशर ड्रॉप मिल गया, कितना मिल गया 0.72। और डिस्चार्ज में हमारा टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा फिर, इज इक्वल टू ये जो आपका अपस्ट्रीम प्रेशर है प्लस उसके बाद ये आप कंसिडर करोगे तो आपको डाउनस्ट्रीम के प्रेशर कितना मिल गया 4.72, मतलब बी का प्रेशर ही आपको 4.72 मिल गया। उसी प्रकार आप डी टू बी कैलकुलेट करोगे, ई टू बी कैलकुलेट करोगे, मान लो आपको यहाँ पे प्रेशर मिल गया 5.2 मिल गया और यहाँ पे प्रेशर मिल गया 4.8 मिल गया, ओके तो आपका कंजर्वेटिव केस कौन सा आ गया, डी टू बी, क्योंकि यहाँ पे आपको मैक्सिमम प्रेशर चाहिए। अगर 5.8 की जगह आपने 4.8 पे डिज़ाइन किया तो 5.2 तक पानी ही नहीं जाएगा, इसलिए आपको इस केस के लिए डिज़ाइन करना है, मतलब डी टू बी। अब देखो आप डिज़ाइन इस पी एन आईडी में आ गए डी टू बी तक, ये जो आपका केस है ये कंजर्वेटिव आ गया। अब इस केस में आपको मैक्सिमम प्रेशर कितना चाहिए यहाँ पे 5.2, अब बी का प्रेशर मतलब डाउनस्ट्रीम का प्रेशर आपका 5.2 हो गया, ये आप यहाँ पे डालोगे। मैक्सिमम डेस्टिनेशन की प्रेशर कितना गया इज इक्वल टू, आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो मैक्स ऑफ, ताकि ये अगर कोई देखता है तो उसको समझ में आ जाएगा, मैक्स ऑफ इन ब्रैकेट हमने डाला, लाइन साइजिंग के शीट में गए, यहाँ पे ये जो नीचे हमारा ये जो प्रेशर है ये कॉमा ये कॉमा ये, इसमें से जो भी मैक्सिमम है ये वो लेगा, मतलब ये 5.2 ले लिया इसने, ओके अब देखो ये मैक्सिमम ले लिया। उसके बाद मैक्सिमम डिस्चार्ज एलिवेशन, अब एलिवेशन कितना है उसका 5 मीटर का एलिवेशन है, ये हमने 5 मीटर यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद डिस्चार्ज लाइन का प्रेशर ड्रॉप, अब डिस्चार्ज लाइन का प्रेशर ड्रॉप देखो, बी टू पंप का कैलकुलेट करने के लिए आपको फिर से लाइन साइजिंग में आना पड़ेगा। अब आप यहाँ से यहाँ पे आपका बी रहेगा, यहाँ पे पंप रहेगा, ओके अब यहाँ पे सेम है आपका वाटर है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसके बाद ये आ गया कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल वी, उसके बाद में ये आपका अपस्ट्रीम प्रेशर, अपस्ट्रीम प्रेशर आप कितना कंसिडर कर रहे हो 5.2 कंसिडर कर रहे हो यहाँ पे 5.2, ओके उसके बाद ये जो आपका नॉमिनल लाइन डायमीटर मान लो आपने 100 मीटर क्यूब पर आवर का फ्लो रेट है तो हम 6 इंच का लाइन यहाँ पे आराम से बैठ जाएगा। उसके बाद 40 शेड्यूल, उसके बाद में स्टील, उसके बाद में इनसाइड डायमीटर मान लो 5.8 इंच, उसके बाद में प्रेशर ड्रॉप फ्रिक्शन फैक्टर 0.005, उसके बाद फ्लो रेट है 1 लाख, ये कहाँ से लिया याद है ना, देखो और एक बार बता दो ये 1 लाख यहाँ पे क्यों लिया मैंने, यहाँ पे 50,000 लिया और यहाँ पे 1,000 लिया क्यों, मैं पहले पीएफडी में गया, दो नंबर का स्ट्रीम नंबर है मेरा बी टू पंप के लिए, तो मैं दो नंबर का स्ट्रीम नंबर लेके एचएमबीडी में गया, दो नंबर का स्ट्रीम नंबर चेक किया, यहाँ पे जाके देखा डेंसिटी और ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है हमारा 100 मीटर के बराबर, समझ गए ना, यस ओके अब ये आ गए। उसके साथ साथ यहाँ पे पंप के ये जो डिटेल्स है लाइन के ये डाल दोगे, ये भी डिटेल्स, एलिवेशन एलिवेशन जो है इसके डिटेल्स यहाँ पे आप जीरो डालोगे, यहाँ पे 4 डाला था ना लेकिन यहाँ पे आप जीरो डालोगे, क्यों, क्योंकि हम इसका एलिवेशन पंप हाइड्रोलिक्स के केस में यहाँ पे ले रहे हैं 5 मीटर, यहाँ पे देखो कितना है ये जो 5 मीटर है हमने पंप हाइड्रोलिक्स में ले लिया है, तो लाइन साइजिंग में नहीं डालना है इस प्रकार, बाकी के डिटेल्स भी भर लो। तो मान लो आपको यहाँ पे प्रेशर आ प्रेशर ड्रॉप आ गया 0.2 0.15 आ रहा है, ऊपर क्या भरोगे तो मान लो यहाँ पे 0.2
0.20 आ गए, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली डाल देता हूँ 0.20। ओके, तो हमारा पंप के डिस्चार्ज में कितना प्रेशर चाहिए, 10.4। उसके बाद देखो अब पंप का डिफरेंशियल प्रेशर, पंप का डिफरेंशियल प्रेशर कितना बनेगा, डिस्चार्ज प्रेशर माइनस पंप का सक्शन प्रेशर। आप देखो यहाँ पे क्या है, ये बार गेज में है और ये ऊपर का जो है नेट सक्शन प्रेशर बार एब्सोल्यूट में, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब आप कन्वर्ट करोगे तब आपको मिलेगा डिफरेंशियल प्रेशर डायरेक्टली बार में मिलेगा, इसको एब्सोल्यूट और गेज नहीं रहेगा, लेकिन गेज से एब्सोल्यूट नहीं माइनस करोगे आप, एब्सोल्यूट से एब्सोल्यूट माइनस करो, नहीं तो इसको गेज में कन्वर्ट करके माइनस करो, दोनों केस में आपको डिफरेंशियल प्रेशर सेम ही आ जाएगा। ये आ गया, उसके बाद में हेड आ गया आपका 78 मीटर का हेड आ गया। उसके बाद सोर्स वेसल डिजाइन प्रेशर, अब आपको क्या करना है, शट ऑफ हेड कैलकुलेट करना है। मान लो अब आपका क्या है, ये जो आपका वेसल है इसका 3 bar gauge का ऑपरेटिंग प्रेशर है, डिजाइन प्रेशर उसके आप ऊपर आप 20% का मार्जिन रख लो, तो आपका आ गया इज इक्वल टू 3 × 1.2। ये आपका डिजाइन प्रेशर 3.6 कंसीडर कर लिया आपने, मैक्सिमम स्टैटिक हेड एलिवेशन, इसका हाइट मान लो 4 meter का है, तो 4 meter आपने डाल दिया, 4 meter एलिवेशन, तो ये उसका बार में कन्वर्जन करके देगा। मैक्सिमम सक्शन हेड आपका, मैक्सिमम सक्शन प्रेशर आपका आ जाएगा 7.5, फिर शट ऑफ हेड वो कैलकुलेट करेगा। शट ऑफ हेड का फॉर्मूला भी मैंने आपको PPT में एक्सप्लेन किया था, उसी प्रकार यहाँ पे भी उसने कैलकुलेट किया, वो कितना आ गया 17.14 bar का, मतलब इसके डिस्चार्ज में जो भी कोई इक्विपमेंट रहेगा वो इस प्रेशर के लिए डिजाइन करना पड़ेगा। ये प्रेशर थोड़े से ज़्यादा आ रहे क्योंकि हमने ऐसे ही कुछ भी मतलब डाला है, इसलिए प्रेशर ज़्यादा है। ये जो भी वैल्यूज है वो पूरा हाइपोथेटिकल है, कोई भी इसको कंपेयर मत करो कि इतना ज़्यादा प्रेशर कोई आता है क्या, कब आता है क्या, सिर्फ आपको समझने के लिए। ओके, उसके बाद देखो NPSH का भी वैल्यू बहुत ज़्यादा आ गया, नहीं तो आप बोलो कमेंट करोगे सर इतना ज़्यादा वैल्यू कैसे आ गया, ऐसे नहीं करना है। ओके, अब देखो हाइड्रोलिक पावर आपने कैलकुलेट कर लिया, हाइड्रोलिक पावर आपको फॉर्मूला PPT में बताया था आपको, उसी प्रकार यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गया वो, देखो 36.71 का यही फॉर्मूला था हमारे PPT में, उसी प्रकार। उसके बाद हमें यहाँ पे इफिशियंसी डालना है, इफिशियंसी अगर आप यहाँ पे डालोगे 70% जो हमने PPT में भी डिस्कस किया था, तो हमारा यहाँ पे पावर आ जाएगा कितना आ गया, ये 73 kW, ये आ गया ब्रेक हॉर्स पावर। ओके, उसके बाद मान लो यहाँ पे 75% इफिशियंसी आप कंसिडर करते हो, तो ये आ गया आपका 97 kW, मतलब आपकी मोटर कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगी, 79 kW, उसमें से वो पंप कितनी देगी, 73 kW, उसमें से वो पानी को ट्रांसफर करने में कितनी जाएगी, 51 kW, बाकी इतना सारा लॉसेस होगा, समझ गए ना। ओके, अब ये पंप कैलकुलेशन की समरी है, अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो मैंने PPT में भी दिखाया था, पंप का टैग नंबर, उसके बाद में नंबर ऑफ ऑपरेटिंग पंप्स कितने हैं, उसके बाद में सर्विस क्या है, वाटर है, उसके बाद ये नेट सक्शन प्रेशर कितना आ गया, अरे ज़्यादा वैल्यूज आ गए ना, इसको थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं। ओके, ये उसके बाद में NPSH अवेलेबल कितना है, NPSH रिक्वायर्ड कितना है, डिस्चार्ज प्रेशर कितना आ गया, पंप का डिफरेंशियल प्रेशर कितना है, डिफरेंशियल हेड कितना कैलकुलेट होके आ गया, शट ऑफ हेड कितना है, हाइड्रोलिक पावर कितना है, ब्रेक हॉर्स पावर कितना है और मोटर हॉर्स पावर कितना है। ये सब वैल्यूज देखने के लिए फिर से हमें कैलकुलेशन ढूंढते नहीं बैठना चाहिए, डायरेक्टली हम ये टेबल देखते हैं तो हमारा पूरा हो जाएगा। अब देखो इसमें एक पार्ट बाकी क्या रहेगा हमारा, हमारे यहाँ पे स्केच अपडेट करना है, ये स्केच आप ड्रॉ भी कर सकते हो, नहीं तो आपको सीधे क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा PNID है वहाँ पे जाना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये आपने पेस्ट कर दिया यहाँ पे, इसको आप थोड़ा सा छोटा कर लो, अंदर बैठ जाए ऐसे। ओके, अब देखो ये हो गया आपका पूरा पंप का एक डिटेल कैलकुलेशन, ऐसे ये आप क्लाइंट को दे सकते हो, देखो दिखने में भी कितना सुंदर दिख रहा है ना। चलो अगर आपको पसंद आ रहा है तो जल्दी से कमेंट करो और पायोज अकेडमी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। चलो अभी हम इस वीडियो में यहीं पे रुकते हैं, बाकी पंप के केस में बहुत है, आपको मैं बहुत समझाने वाला हूँ, NPSH के बारे में समझाने वाला हूँ, अगर आपका NPSH नहीं मीट होता है तो कैसे कर मीट करना है, क्या करना है, एलिवेशन बढ़ाना है, क्या करना है, ये सब आपको बताने वाला हूँ बाद में। उसके बाद पंप करू के बारे में बताने वाला हूँ, पंप करू के हिसाब से आपको पंप कैसे सिलेक्ट करना है वो बताना है, अगर आपको ये सब सीखना है। और ये मैं बाकी यूट्यूब पे अगर आप देखते हो ना तो बहुत मसाला लगा के बताया गया है, जो कि आपको प्रोसेस इंडस्ट्री में कुछ काम नहीं का है, कुछ काम का नहीं है। मैं जो इम्पोर्टेंट है, जो काम का है वही आपको बताऊंगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा।
अगर आपको पसंद आ रहा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आने वाले वीडियोस का भी नोटिफिकेशन आपको मिले और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। और एक बात, अगर आपने अभी तक हमारे लिंक्डइन के पेज को फॉलो नहीं किया और इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड नहीं है तो जल्दी से हमारे लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि वहाँ पे मैं इंटरव्यू के क्वेश्चंस डालते रहता हूँ। अगर कोई वैकेंसी मुझे पता चलती है तो मैं वहाँ पे डालते रहता हूँ। तो फिर वेट मत कीजिए, जल्दी से यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए और लिंक्डइन पे हमारे पेज को भी फॉलो कर दीजिए और हमारे साथ बने रहिए। चलो, थैंक यू। बायोज़, लर्न द स्मार्टर वे।